नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजनीति की बात नहीं करेंगे, बिहार में शिक्षा विभाग की बात करेंगे। शिक्षा विभाग में के पाठक फरमान निकालते जा रहे हैं, और ठीक आज भी एक फरमान निकाला गया जिसमें कि बंसीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता है, उनकी नौकरी चली गई है, यानी उनकी सेवा समाप्ति का आदेश आज डीपीओ के द्वारा दे दिया गया है। हमने इस खबर को दिखाया भी, क्यों आखिर दिया गया एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार में सक्षमता परीक्षा ली जा रही है नियोजित शिक्षकों की, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। सक्षमता परीक्षा का पहली बार जो लिया गया उसका रिजल्ट भी आ गया कल देर रात, और रिजल्ट में 93% यानी 93% जो है नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की जो मांग कर रहे थे वो भी मिलेगी, जिससे कि शिक्षक नेता जो पक्ष में थे इस चीज के कि सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए, वो काफी खुश दिखाई दे रहे। लेकिन इसके साथ ही जो विरोध में थे वो अभी भी विरोध कर रहे हैं उसका, सक्षमता परीक्षा का, और वो कह रहे हैं कि ये सरकार की जालसाजी है। चुनाव के बाद कुछ और भी रुख हो सकता है सरकार का, तो ये जल्दी से पोस्टिंग नहीं होगा इसमें। तो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात इसमें कही जा रही थी। अब शिक्षक नेता जो है इस पे मुखर होके बोल रहे थे, के पाठक जो फरमान निकाल रहे थे उन फरमानों पर विरोध में जो है शिक्षक नेता बोल रहे थे। और इसी बीच जो है होली का भी समय आ गया, होली की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी शिक्षकों की, जिसको लेकर के काफी रोष था शिक्षकों में। इसे लेकर शिक्षक नेता जो है वो लगातार के पाठक पर बोलते ही जा रहे थे। तो 25 मार्च और 26 मार्च को बिहार में होली मनाया गया। 25 तारीख को स्कूल खुले थे, शिक्षक गिरते पड़ते गोबर में सनते हुए किसी तरह से विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में बच्चे तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिक्षकों को वहां पहुंचना था, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। तो आखिर ये किस तरह का आदेश दिया गया था, इस पर जो है शिक्षक नेता काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे। इसी बीच जो है बंसीधर ब्रिजवासी हैं, वो भी शिक्षक संघ के एक नेता हैं, उन्होंने भी खूब सारे पोस्ट किए हैं, और वो हमेशा से वीडियो में मुखर होकर के पाठक का विरोध करते रहे, यहाँ तक कि कोर्ट का भी सहारा लेते रहे। यानी शिक्षक संघ मिलकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह दरवाजा खटखटाया है न्यायालय का। तो अब क्या हुआ कि बंसीधर ब्रिजवासी, उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया। आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में एक अनोखे तरीके से के पाठक का विरोध किया गया था, जिसमें कि एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गुलाब का फूल दे दिया गया था। तो शिक्षक लोग खड़े थे, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ, के पाठक की भी नज़र में आया, और सोशल मीडिया पर शिक्षक नेता जो कुछ लिखते हैं उस पर भी नज़र बनाए रखते थे के पाठक। तो आखिर में ये आदेश दे दिया गया। अब इस आदेश के विरोध में, यानी कि शिक्षक नेता है जो कि सक्षमता परीक्षा के पक्ष में थे, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने एक पोस्ट भी किया कि आखिर 9 सालों के संघर्ष के बाद ये सब चीजें हो रही हैं, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, सक्षमता परीक्षा ली गई है, अब ऐच्छिक स्थानांतरण की जो मांग थी वो भी दिया जाएगा शिक्षकों को। लेकिन कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहे हैं बंसीधर ब्रिजवासी की सेवा समाप्ति को लेकर के। उन्होंने एक पोस्ट भी किया गया है, ट्विटर हैंडल है उनका, एक्स है, उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। मैं आपको पोस्ट भी पढ़ के बताता हूँ। पोस्ट में अमित विक्रम ने लिखा है कि कल शाम को हुए वीसी में, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, शिक्षक नेता अमित विक्रम यानी मेरे खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए 7 दिन के वेतन कटौती का आदेश जारी करने को कहा गया है। हमारे साथी बंसीधर ब्रिजवासी जी को सेवा मुक्त करने का आदेश निर्गत करने को कहा गया है। होली के दौरान शिक्षकों को छुट्टी ना देने एवं उनका प्रशिक्षण करवाने के विरोध में मीडिया में बयानबाजी करने को लेकर ये कार्रवाई हुई है। विरोध स्वरूप मैं अनिश्चित काल के लिए अवैतनिक अवकाश में जा रहा हूं, जब तक शिक्षा विभाग में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं होती है, मैं अपने शिक्षक के पद पर योगदान नहीं करूंगा। इस घुटन भरी स्थिति में नौकरी करना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग के आदेश को कोर्ट में चुनौती भी दिया जाएगा। तो अमित विक्रम ने यह साफ साफ कह दिया है कि इस मामले को हम कोर्ट में चुनौती लेके देंगे। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से, के पाठक की तरफ से, उसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और उन्होंने अनिश्चित काल के लिए अवैतनिक अवकाश ले लिया है, यानी वेतन नहीं लेंगे और अनिश्चित काल के लिए
जब तक यहाँ सुधार नहीं होता है। तो उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी, सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं किया, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब जो है वो अवैतनिक अवकाश ले रहे हैं अनिश्चितकाल के लिए, क्योंकि उनका वेतन जो है 7 दिनों का काट लिया गया। लेकिन इसका तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जब बंसीधर ब्रिजवासी की सेवा समाप्ति कर दी गई, इसका भी पुरजोर विरोध कर रहे। तो एक तरफ खुशी भी है कि सक्षमता परीक्षा में लगभग सभी नियोजित शिक्षक पास हो गए, लेकिन ये विरोध भी एक तरफ से वो दर्ज करा रहे हैं और वो कहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि विरोध स्वरूप मैं अनिश्चित काल के लिए अवैतनिक अवकाश में जा रहा हूँ, जब तक शिक्षा विभाग में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं होती है मैं अपने शिक्षक के पद पर योगदान नहीं करूंगा। तो ऐसा अमित विक्रम का कहना है। इसके पहले उन्होंने कुछ देर पहले ही पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि 9 साल के संघर्ष का नतीजा है आज सभी TET शिक्षक राज्यकर्मी बने, ये संघर्ष का एक पड़ाव है, हमारा लक्ष्य लेवल 7, 8 व 9 वाला पूर्ण वेतनमान है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका त्वरित समाधान होना चाहिए, आप सभी साथियों का सहयोग मिलता रहे यही कामना है। तो इन्होंने पोस्ट किया है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो है बंसीधर ब्रिजवासी जिनको जो है सेवा समाप्त कर दिया गया है जिनका, इसका विरोध जो है अमित विक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक नेता हैं, सक्षमता परीक्षा का ये पक्ष में थे, लेकिन बंसीधर ब्रिजवासी सक्षमता परीक्षा के पक्ष में नहीं थे, फिर भी जो है उनका ये समर्थन कर रहे हैं। और उनको जिस तरीके से हटाया गया है, KK पाठक ने जिस तरीके से बंसीधर ब्रिजवासी को सेवा समाप्त कर दिया है, इस पर जो है ये पूरा सरकार का विरोध कर रहे हैं, KK पाठक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।